फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र। मैंने एक पोल किया था कम्युनिटी टैब पर कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने 50% से अधिक लोगों ने जो पोल में कहा वो ये कि हम कॉलेज पहले चुने, कॉलेज को प्रेफरेंस दें या कोर्स को। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर हमारी रैंक ऐसी आती है जहाँ हम मिडवे होते हैं अच्छे कॉलेज को चुनने में, या हम कोर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके अच्छा कॉलेज चुने, या हम अपना मनपसंद कोर्स लें। फॉर एग्जांपल नीट में आप एमबीबीएस लेना चाहते हैं तो बहुत ऑर्डिनरी कॉलेज से एमबीबीएस करें, या फिर आप किसी टॉप कॉलेज से बीएमएस करें। इस तरह के और भी सिनेरियोस, दूसरे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स जैसे कि इंजीनियरिंग में या मास मीडिया कम्युनिकेशन वगैरह, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ग्रेजुएट लेवल पर ये क्वेश्चन आता है 12th के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं किसी इस तरह के एंट्रेंस का। तो मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, किस आधार पर आपको इसके विषय में बताने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ, ये विश्वसनीय इसलिए है क्योंकि मैं खुद बहुत ही ऑर्डिनरी कॉलेज एमबीबीएस में करने के बाद अभी वहाँ पर जबलपुर जो है एमसीआई रिकग्नाइज है, बहुत अच्छा कॉलेज है लेकिन टॉप रैंक नहीं है, ठीक है। उसमें मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट इंडिया के जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली या निज़ाम इंस्टीट्यूट हैदराबाद या मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में भी सीनियर रेजिडेंट रहा हूँ, और डिफरेंट कॉलेजेस में एग्ज़ाम लेने भी जाया करता हूँ जिसमें कि छोटे कॉलेजेस भी हैं और बड़े भी हैं। तो इन सब के आधार पर साथ ही साथ में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि कई सालों से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, मेडिकल टीचिंग में हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं इंडिया की अलग अलग जगहों पर, साथ ही साथ में अब्रॉड में जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड, गल्फ कंट्रीज, और साथ में इंडिया की वेरियस जगहों पर। तो ये ऑर्डिनरी कॉलेज से करके और या एम्स से करके उनका प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आता है वो मैं बताता हूँ। ये सेम प्रिंसिपल आप अदर कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आपके पास एक रिकॉग्नाइज डिग्री होना चाहिए, इसलिए कोर्स जो आपका मनपसंद हो उसको कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। कॉलेज कोई भी हो, बस आपकी संस्था से, बॉडी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। जैसे कि एमबीबीएस में लें तो एमसीआई है जो संस्था, एमसीआई से रिकॉग्नाइज कॉलेज होना चाहिए, फिर वो कॉलेज कोई भी हो चलेगा, ठीक है। एमबीबीएस के लेवल पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्रैक्टिकल, जो पेशेंट केयर ना सीखकर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सीखते हैं, तो वो किताबों में भी है, थोड़ा बहुत फैकल्टी की पोजीशन से फ़र्क पड़ता है, लेकिन आजकल ऑनलाइन है, किताबें हैं, बहुत सारे मटेरियल है, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन फ़र्क आता है पोस्ट ग्रेजुएशन पर। पोस्ट ग्रेजुएशन आपको टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से करना चाहिए, जो जितना अच्छी रैंक ला सके आप, क्योंकि उसका जो टैग होगा और उसमें जो प्रैक्टिकल वर्क आप सीखते हैं वो बेहद अहम है। तो ये मेडिकल प्रोफेशन में कुछ ज़्यादा ही अप्लाई होता है। इंजीनियरिंग वगैरह में आईआईटीज का वैल्यू काफ़ी अधिक है बाकी कॉलेजेस की तुलना में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी, लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल ध्यान में रखिए कि ब्रांच का भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जैसे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए, कोई भी कॉलेज जहां पर अच्छा आपकी रैंक के अनुसार मिल रहा है वो ले लीजिए, लेकिन आगे जरूर पढ़िए, पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में जाने की कोशिश कीजिए। तो पीजी जो है ना वो आपकी बहुत अच्छी जगह पर होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छी जगह पर होगा तो आपका एक्सपोजर, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं अच्छा होगा, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूँगा आजकल कि किसी भी फील्ड में हो, लंबा जितना थोड़ा लंबा पढ़ाई करना चाहिए। लंबी पढ़ाई करेंगे, दो या तीन साल एक्स्ट्रा देने से ज़िंदगी भर का आराम हो जाता है, ज़िंदगी भर आप एक हायर लेवल पर वर्क कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रिंसिपल है, कभी भी ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जैसे मेरे केस में मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, हमारे समय में टॉप मोस्ट ब्रांच थी पीडियाट्रिक्स, टॉपर्स ब्रांच मानी जाती थी, अभी रेडियोलॉजी है इस क्षेत्र में, पीडियाट्रिक्स अभी भी हाई जाती है लेकिन थोड़ा सा नीचे आया। तो उस वक्त जो है पीडियाट्रिक मुझे चाहिए थी, हालांकि वो क्यों ये ब्रांच चाहिए, इसमें भी बहुत सारा हम सुनी सुनाई बातों पर करते हैं, बहुत सारा इसमें भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप ब्रांचेस चुने अपने लिए, डिफरेंट ब्रांचेस। तो फिलहाल मैं आपको यही बोलूंगा कि अपना कॉम्प्रोमाइज़
कभी भी जो आपका इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या ट्रेंड है इस वक्त मार्केट में, जो नीड है, या अगले 5-6 साल बाद, 10 साल बाद आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्षेत्र अच्छा निकलेगा, उस ब्रांच को पहले प्रेफरेंस दीजिए। कॉलेज बाद में, कॉलेज बिहार का हो, एमपी का हो, यूपी का हो, दिल्ली का हो, जो भी हो, रिकग्नाइज होना चाहिए उस बॉडी से। जैसे कि फिजियोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपी काउंसिल, कोई ना कोई फिजियोथेरेपी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, तो आपका करियर बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है आपको ये उत्तर मिला होगा। जल्दी मैं डाइटिशियन का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ कल, और डाइटिशियन कोर्स के विषय में आपको जानकारी दूंगा। इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट के बारे में और बायोटेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी लोगों ने बोला है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द उसमें भी ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल पर लेके आऊँ। मेरा साथ दीजिए दोस्तों, और दोस्तों को जोड़िए, और इस चैनल पर एक दूसरे की हेल्प किया कीजिए। बहुत सारे कमेंट्स में मैं कई बार उत्तर नहीं दे पाता हूँ, कई बार मैं हर चीज़ नहीं जान सकता हूँ। जैसे कि कोई पूछ रहा है हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा कॉलेज, उसने लिख दिया कि कैसा है, हो सकता है मुझे नहीं पता हो, तो आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को जानकारी कमेंट में दे दिया कीजिए। कोई फॉर्म हो, लिंक हो, डेट्स हो, कोई फ़ोन नंबर हो, ये सब दे दिया कीजिए। और मेरी हेल्प करना चाहते हैं मेरे इस काम की, तो इस मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। लाइक करने से एल्गोरिथम में ऊपर जाते हैं, तो आप देखते हैं बहुत लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसमें हमारा कुछ जाता नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।